हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास स्टेडलर्स के वाटर कलर पेंसिल्स हैं और आज मैं इसे ही आप सबको दिखाने वाली हूँ कि वाटर कलर पेंसिल से आप कैसे पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये रहे वाटर कलर पेंसिल्स, चलिए दिखा देते हैं। पहले ये है स्टेडलर के लूना वाटर कलर पेंसिल्स। मैंने इस पेज पर पहले ही आउटलाइंस ड्रॉ करके रखे थे। मैं आज एक फिश ड्रॉ करने वाली हूँ, तो चलिए पहले ब्राउन से मैं फ़िश की ड्राइंग बना रही हूँ। ब्राउन यूज़ कर रही हूँ मैं इस ड्राइंग को बनाते हुए। जितने भी कलर पेंसिल्स के शेड्स मुझे लगे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी एक ब्लू टोन से मैं फ़िश के आउटसाइड जो बैकग्राउंड्स होंगे उसी कलर से एक नीट आउटलाइन जैसे कर दूंगी। इससे मुझे यह आसानी होगी कि मुझे बैकग्राउंड का शेड भी मिल जाएगा और फिश है जो नीटली आउटलाइंड हो जाएगी एक ही कलर की मदद से। अभी मैं ब्लैक कलर से फिश की आईज ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने पहले जैसे कही थी कि आउटलाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है, तो आउटलाइंस के हिसाब से मैं उस पर कलर पुट कर रही हूँ। इस फिश पर ज़ीब्रा जैसे वाइट के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होने वाले हैं, तो मैं इसके बॉडी के ऊपर जो ब्लैक स्ट्राइप्स है वो भी ब्लैक वाटर कलर पेंसिल से कलर कर रही हूँ। तो वाटर कलर पेंसिल से डायरेक्ट कोई भी एक प्रोमिनेंट कलर यूज़ करने के बजाय मैं इसमें थोड़ा सा ब्राउन ऐड कर रही हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी रियलिस्टिक बन सके, इसके स्ट्राइप्स थोड़े उभर कर आएँ। मैं ऐसे ही ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर का इस्तेमाल करूँगी इसके स्ट्राइप्स देने के लिए। अभी मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी इसके फिन्स और बाकी के बॉडी एरियाज़ के लिए। ये फिश वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स में है और इसके टेल की तरफ येलो फिन रहेंगे। वाटर कलर पेंसिल्स बड़े ही यूज़फुल मीडिया साबित होते हैं। वाटर कलर पेंसिल से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले ही एक बोल्ड सॉलिड कलर अप्लाई मत कीजिएगा अपने पेंटिंग पर। आप लेयर बाय लेयर जैसे कलर पेंसिल्स में किए जाते हैं वैसे ही ऐड कर सकते हैं। एक लेयर आपके वाटर कलर्स के सूख जाने के बाद दूसरा लेयर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक मीडियम बेस लेयर आप चूज़ कर लीजिए, वही आप अप्लाई कीजिए। अभी मैं मजेंटा अप्लाई कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ ब्लैक। जैसे मैंने ब्राउन अप्लाई किया था थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए, तो इसके आँखों की तरफ भी मैं ब्लैक की जगह पर मजेंटा यूज़ कर रही हूँ। बिगिनर्स के लिए मैं वाटर कलर पेंसिल्स रिकमेंड करूँगी, ये आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। तो अभी मैं पीच कलर टोन यूज़ कर रही हूँ शेडिंग के लिए। तो कलर पेंसिल्स के जैसे आप वाटर कलर पेंसिल्स होल्ड कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं कलर पेंसिल्स के जैसे ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाटर कलर पेंसिल्स पर आप वाटर से इनके पिगमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट करने के बाद इन सब का कलर बहुत ही उभर कर आता है, तो इसलिए बिगिनर्स फ्रेंडली होते हैं वाटर कलर पेंसिल्स।
आप काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं इसमें। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, वाटर कलर पेंसिल्स का यूज़ करें। अभी मैं ग्रे कलर का यूज़ करके फिश के स्केल्स पर जो शेडोज़ दिखाए जाते हैं वो डिफ़ाइन करूँगी। मैं जैसे बता रही हूँ कि रियलिस्टिक पिक्चर बनाने के लिए आपको हाइलाइट्स और शेडोज़ में फ़र्क दिखना ज़रूरी है। आपके ड्राइंग्स में जितने शेडोज़ और हाइलाइट्स उभर कर आएंगे तो पिक्चर और पेंटिंग बहुत ही रियलिस्टिक दिखने को लगेंगे। इसलिए पूरा सॉलिड वाइट रखने की बजाय मैं थोड़े ग्रे टोन ऐड करना चाहती हूँ मेरे इस ड्राइंग पर। अब मैं एक फाइन टिप पेंट ब्रश ले रही हूँ। इस फाइन टिप पेंट ब्रश से मैं वाटर से एक्टिवेट करने वाली हूँ वाटर कलर पेंसिल्स के पिगमेंट्स को। हियर वी गो। देखिए कैसे कलर्स निकल रहे हैं। आपको बहुत ही जेंटल और हल्के हाथों से ढेर सारा पानी लेकर वाटर कलर पेंसिल के पिगमेंट को एक्टिवेट करना होगा। जैसे आप शेडिंग चाहते हैं वैसे ही कलर्स उभर कर आएंगे, आप देख सकते हैं। अभी मैं बैकग्राउंड कलर करूँगी फिश के बाहर। मैं फिश जैसे एक्वाटिक एनिमल्स है इसलिए मैं ब्लू टोन यूज़ करूँगी, थोड़े ब्लू थोड़े पर्पल। देखिए कैसे वाटर कलर पेंसिल्स के कलर वाटर से एक्टिवेटेड होने के बाद बहुत लाइवली लग रहे हैं और बहुत ही इजी है इन सबको होल्ड करना। आप काफ़ी आसानी से वाटर कलर पेंसिल से ड्राइंग बना सकते हैं जैसे भी बैकग्राउंड बन रहा है। अभी मैं लेयरिंग कर रही हूँ ब्राउन की मदद से। एक लेयर का कलर सूख जाने के बाद कलर पेंसिल के जैसे ही मैं दूसरा कलर इसके ऊपर डाल रही हूँ। रियलिस्टिक लगने के लिए मैं वाटर कलर सूख जाने के बाद उसके ऊपर कलर पेंसिल अप्लाई कर चुकी हूँ और अभी हाइलाइटर पेन से थोड़े डिफाइन कर दूँगी। सो
वी आर ऑल डन। आप देख सकते हैं कैसी लग रही है पिक्चर देखने में। तो ये है वाटर कलर पेंसिल से मेरी पेंटिंग। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।